ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि आज के टाइम में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही कॉमन एग्जाम बन चुका है जैसा उसका नाम है वैसा वो जो है बन भी चुका है राइट तो ये जो बहुत ही लाइक आई वुड से कॉमन एग्जाम है ये हम लोग क्यों देते हैं या आप लोग जो हो क्यों दे रहे हो इसे या व्हाई आर यू थिंकिंग कि आपको जो है इसको अटेम्प्ट करना है तो उसका सिंपल सा रीजन है कि इफ आफ्टर और आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएशन अगर आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपको इस पर्टिकुलर जो है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो है मिलेगा ठीक है सो दैट क्लियरली मीन्स कि हमें जो है बहुत ही अच्छे जो है परसेंटेज स्कोर करने हैं इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम अब इस एग्जाम की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है दैट इज इसमें कितने पेपर होंगे कितनी लैंग्वेजेस हैं कितने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं कितने मार्क्स का है कितना टाइम पीरियड है ये सारी इंफॉर्मेशन तो आई गेस आप लोगों के पास में होगी और नहीं भी होगी अगर

ताकि हम बहुत अच्छे जो है इसमें मार्क्स स्कोर कर सके ये जानना जरूरी है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी पर्टिकुलर चीज पर बात करने वाले हैं और बहुत ही स्पेसिफिकली मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो हम लोग पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिक्स डोमेन है इकोनॉमिक्स या फिर वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसे हम लोग समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई होप सो आप सभी लोग जो है इस चीज के लिए रेडी हैं और एक और चीज के लिए रेडी हो जाइए इस वीडियो के एंड होने से पहले या आई वुड से कि इस वीडियो के एंड होते होते आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है जो कि मैं बाद में रिवील करूंगी अभी नहीं करूंगी ठीक है पहले हम लोग पूरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं देन गो टू तो दी सरप्राइज ठीक है सो वेन वी स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली बोलू कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर जो है आपके सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो अंडर सी तो इसकी बहुत अच्छी एक चीज है वो क्या है कि आप लोग मोस्टली देखोगे कि आपका जो सिलेबस है ना वो आपके इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास का ही है आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास में जो जो पढ़ा है उसी को इतनी अच्छे से पढ़ना है कि आप जो है प्रॉपरली जो भी आपके पास में क्वेश्चंस है उनके आंसर दे पाओ इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम थिंग्स फॉलो हेयर किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को जानने से पहले सबसे पहले हमें देखना है कि उसका सिलेबस क्या है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है तो फिर बहुत जो है ना से कि ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जिसका आंसर बहुत ही वेग हो जाएगा तो इसलिए इसीलिए सबसे पहले एल सिलेबस क्या है तो अगर आप लोग या तो इसे कुछ तीन, जो है न, बुक्स में डिवाइड किया गया है, एक है आपका इंट्रोडक्ट्री मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक है हमारे पास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट

यहाँ पर जो मुद्दे की बात है वो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी क्लास में या कौन सी बुक जो है वो कौन सी क्लास में है आप लोगों के पास में फर्क क्या पड़ता है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको ठीक है अल्टीमेटली इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास में आप इन तीनों बुक से डील करते हो एक और आपकी फोर्थ बुक होती है स्टैटिस्टिक्स एंड आई ब्लेस्ड की इस पर्टिकुलर एग्जाम में

तो अगर हम लोग देखें सिलेबस को तो सबसे पहले हमारे पास में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग के जो दो चैप्टर्स है ना आपके वन इज जो इंट्रोडक्शन है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है और उसके बाद में जो है इकोनॉमिक्स क्या होता है ठीक है स्केयर सिटी अल्टरनेटिव यूजेस ये सब कुछ दैट मींस जो वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ये क्या होती है ये बहुत ही जो है बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में देखी है देन कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड ये आपका चैप्टर नंबर टू है ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप मैक्रो की बात करोगे तो पूरा का पूरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपके सिलेबस में रहेगा ऑफ सी ठीक है यहाँ पर आपके पास में नेशनल इनकम भी है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है मनी एंड है ना यहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करो तो उसमें भी आप लोगों के पास में सारे चैप्टर्स है दैट इज डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 तो यहां पर आपके स्टार्टिंग के जो तीन चैप्टर्स हैं वो हो जाते हैं कवर फिर आता है करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी तो इसमें आपके चैप्टर्स आते हैं लाइक पावर्टी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट ये कुछ जो है ये आपके इसका पार्ट क्या होते हैं बनते हैं देन आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया हाँ ऑल्सो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर भी है ठीक है फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया दैट इज इंडिया चाइना और पाकिस्तान का जो है यहां पर हम क्या देखते देखते हैं हैं पूरा एक एनालिसिस ठीक है सो अकॉर्डिंगली हमें समझ में आ गई है एक चीज कि अगर हमें सीवीटी के लिए प्रिपेयर करना है तो बेटर वुड बी कि हम अपनी इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास को स्ट्रॉन्ग कर ले बहुत सारे फायदे हैं इसके बहुत सारे फायदे क्या हैं तो देखो बहुत ही सिंपल चीज है अगर आपने इलेवन ट्वेल्थ के बेस को स्ट्रॉन्ग किया पहली चीज आपको आपके ट्वेल्थ क्लास में जो बोर्ड है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे दूसरी चीज सीयूटी के लिए प्रिपरेशन हो गया तीसरी चीज आपका ये जो बेस बना है वो आपको थ्रू आउट आपके लाइफ में काम आने वाला है एंड इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जिसमें बहुत स्कोप है ठीक है बिलीव मी बहुत स्कोप है चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो इफ यू हैव चोजन इकोनॉमिक्स तो वो तीनों में ही चलेगा एंड कॉमर्स में तो ये एक मेन सब्जेक्ट होता है साइंस ह्यूमैनिटीज में तो ये एक जो है अल्टरनेटिव या वी कैन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है

उसमें से एक इकोनॉमिक्स को जरूर रखिएगा। इफ अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो आप इकोनॉमिक्स को अगर लेते हो इन फॉर्म ऑफ ऑप्शनल या सी का डोमेन बनाते हो तो उसमें ये फायदा होगा आपको कि वो एक आपकी लिंक बनाएगा ठीक है मोस्टली मतलब ये चीज होती है बहुत बार कि आप लोग साइंस से इंजीनियरिंग करते हो फिर एम के लिए जाते हो फिर किसी कॉर्पोरेट जो है वर्ल्ड uh, में आप लोग काम करते हो ठीक है So accordingly, ये पूरा जो है ना बहुत ज्यादा वुड से बहुत ज्यादा डायनामिक हो जाता है डाइवर्स हो जाता है इफ तो यू है ठीक है अगेन इफ यू आर इफ यू आर एन इंजीनियर और अगर आपका इकोनॉमिक्स पर भी पकड़ है तो मेनी पीपल विल अप्रोच यू बिकॉज ये जो पर्टिकुलर क्वालिटी है बहुत ही असेंशियल हो जाती है ठीक है कि आपका एक वो माइंडसेट भी है एंड आल्सो यू नो दी इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इज समथिंग जिससे आप कहीं भी कभी भी जो है पीछा नहीं छुड़वा सकते हो ठीक है क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं दैट इज आल्सो एन इकोनॉमी तो इकोनॉमी से तो हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं ठीक है ठीके? तो जब उसमें रहना ही है तो उसको अच्छे से पढ़ लो उसमें हम लोग मास्टरी कर लेते हैं उसमें हम लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं ताकि Uh, जो है सारी चीजें चलते चलते जो है क्या हो जाएगा ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ हो जाएगा ठीक है ये सारी चीजें अब आपको सीयूईटी में कैसे अप्लाई करना है उस चीज को समझते हैं हम लोगों ने सिलेबस को देख लिया ये ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो कि आपके जो है या कि ये पूरा जो है सिलेबस है जो कि आप लोगों का सीयूईटी का है यहां पर आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि आपको जो है ना जो मेन ध्यान देना है दैट इज ऑन योर क्लास ठीक है अगर आपने वहां पर अच्छे से पढ़ लिया ना आई कैन अश्योर यू कि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो ठीक है बेस बन गया strong. इसके अपार्ट और क्या किया जाए जिससे कि जो है ये एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे से जो है मार्क्स एंड ऑल स्कोर कर सकते हो तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा जो एग्जाम होगा सीयूईटी का वो एमसीक्यू बेस्ड होगा तो आप लोगों को MCQs की भर भर के प्रैक्टिस करनी है। अब आप कैसे करना है वो मैं थोड़ी देर से बताती हूँ ठीक है तो यहाँ पर पहली चीज हमने क्या की है कि अपने बेस को जो है स्ट्रॉन्ग कर लिया दूसरी चीज की हमें भरपूर एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करना है हाँ? चैप्टर के बहुत सारे नंबर ऑफ एमसी को आप लोग सॉल्व करो इसके पार्ट कोई भी एग्जाम हो उसकी अगर जो है ना उस पर अगर हमें बहुत अच्छा कमांड करना हो तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप इसके PYQs जो है है वो चेक करो ठीक जितने भी पीवाई क्यूज आपके पास में अवेलेबल है बिकॉज यूईटी बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है तो हमारे पास में ऐसा नहीं है कि बीस बीस साल के हमें पीवा मिल रहे हो ठीक है तो अभी के लिए हमारे पास में जितने भी पीवाई क्यूज है हमें सारे सॉल्व करना है ऑल राइट right. तो ये कुछ पर्टिकुलर अगर आप लोग अप्रोच अप्लाई करोगे तो यू विल हैव व्हाट यू कैन लाइक क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम बहुत ही अच्छे ठीक है नाउ एक चीज और जो कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स में लगती है दैट इज मैम न्यूमेरिकल आते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करें एंड एमसीक्यू बेस्ड जाते हैं तो इन्हें कैसे सॉल्व करें तो देखो न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको बेसिकली आप लोगों के पास में जो है जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आप लोगों को एक रफ पेपर दिया जाता है एक पेन दिया जाता है आपको सॉल्व करना है अपने लेवल पर जो फाइनल आंसर आता है वो आपको आपके आंसर में ऑप्शन में चूज करके जो है उसको टेक करना होता है ठीक है अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसकी भी चिंता मत करो ठीक है तो आई एम लाइक मेरा जो एक मेन मोटिव यहाँ पर है वो ये है कि आप लोगों को अप्रोच पता होना चाहिए कि क्या जो है किस पर्टिकुलर वे से आपको पढ़ना है ये नहीं कि आपने जो है चार चार छीछे बुक्स खरीद के रखी है और बिल्कुल पढ़े जा रहे हो घुस गए हो उसमें बिल्कुल पढ़ो लेकिन सही अप्रोच से पढ़ो ठीक है तो आई गेस की अप्रोच क्लियर हो गई होगी आपको अब ये कैसे करना है मतलब इतने सारे एमसीक्यूज कहां पर मिलेंगे कैसे समझ में आएगा अगर किसी के एमसीक्यू में डाउट है तो क्या होगा ये सारी चीज है ठीक है तो इसी के लिए आई विल वॉन्ट टू टेक यू टू दी सरप्राइज एलिमेंट ठीक है तो सरप्राइज को समझते हैं सरप्राइज अगर हमें पता चल जाएगा तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे आंसर आई होप सो कि आप लोग गेस कर पा रहे होंगे कि क्या सरप्राइज और अगर नहीं कर पा रहे हो तो दो सेकेंड का टाइम लो थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है सरप्राइज ठीक है और मैं तो बता ही रही हूं लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने सरप्राइज सही गेस किया था या नहीं किया था ठीक है तो सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है दैट सीवीटी टी कमिंग सून ऑन अकेडमी ठीक है ऑल दो आप के पास में बहुत सारे कोर्सेस अलग अलग भी होंगे उसमें को मैं डिनाई नहीं कर रही हूं ठीक है बट स्पेसिफिकली यहां पर सरप्राइज ये है दैट आपकी जो साक्षी मैम है वो इकोनॉमिक्स डोमेन से रिलेटेड जो सी है उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो कोर्स है वो लेकर आने वाली है के, हम लोगों ने एक प्रण ले लिया है कि ह्यूमैनिटीज के बच्चों के साथ में जो है हमें साथ साथ में उनको जो है लाइक पूरी उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है ये फील नहीं होना चाहिए किसी को भी की हमारे लिए कुछ नहीं है राइट तो ह्यूमैनिटीज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जब हम लोगों ने लाइक वेरियस बैचेस एंड ऑल जो है वो स्टार्ट किए हैं तो अकॉर्डिंग टू द नीड और जो हमें लग रहा है कि भी ये समय के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए दैट इज कि आप लोगों को CUET के कोर्स की भी जरूरत है जो कि स्पेसिफिकली फॉर द ह्यूमैनिटीज जो है सब्जेक्ट रहेगा ठीक है अब इसके पार्ट आई वुड से कि कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स को एज अ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले रहे होंगे इज लाइक मैंने जैसे ही बोला कि हर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप इकोनॉमिक्स को ले सकते हो और वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा तो आई वुड अगेन से कि नो no मैटर कि ये ह्यूमैनिटीज के जो है मैं बार के अंदर बोल रही हूँ या मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं नहीं हम उनके साथ में आई एम लाइक मैं, like, मैं फ्रेंकली ये बोलूंगी कि मैं उस हाँ एक स्टूडेंट के साथ में हूं जो पढ़ना चाहता है जो डेवलप करना चाहता है जो कुछ सीखना चाहता है है ठीक तो इफ यू आर प्लानिंग टू तो गिव योर थ्रू इकोनॉमिक्स डोमेन तो याद रखिएगा कि साक्षी मैम इज देयर एंड साक्षी मैम जो है वो आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से करवा देगी कितने एमसीक्यूज की जरूरत है आप लोगों का जो है टेस्ट कैसे होगा कैसे चीजों को पढ़ना है सब कुछ जो है हम लोग बहुत ही डिटेल मैनर में इन दिस पर्टिकुलर कोर्स पढ़ने वाले हैं अब आप तो बोलोगे मैम कोर्स क्या है ये तो बता दो या कोर्स की लिंक कहां पर है तो बस थोड़ा सा वेट मैं आप लोगों को बोलूंगी थोड़ा सा वेट कर लो कुछ कुछ दिनों का ठीक है नॉट लाइक मैं बहुत टाइम का आपसे वेट नहीं जो है मांग रही हूँ बस कुछ दिनों का आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा That, ये सब कुछ क्या है कब से लॉन्च हो रहा है क्या पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी एवरीथिंग ठीक है तो ये एक बिग सरप्राइज था इस बहुत ही कुछ हुए होंगे ऑल सो uh, हमारे जो ह्यूमैनिटीज के बैचेस है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान ले वैसे तो आई होप सो कि आप सभी लोग उसमें एनरोल्ड हो बट इफ इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो ये मेरी एडवाइस है ये मेरा सजेशन है आप लोगों को दैट प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्सेस। यहाँ पर हम लोग ये जो आपके वेरियस एजुकेटर्स हैं वो आपके हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से जो है ना प्रिपेयर करवाने वाले हैं तो आपकी जो टेंशन है ना वो आधी कम हो जाएगी इफ अगर आप जो है आपके ट्रस्टेड एजुकेटर से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली तो यहाँ पर यू गेट अ चांस जो है आपका लाइक वन टू वन इंटरैक्शन का ठीक है रियल टाइम बेसिस पर आपके डाउट्स एंड ऑल क्लियर होते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है तो इफ इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया हो, तो कर लीजिएगा बैचेस की जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी इन बैचेस में एनरोल करने के लिए एंड मैक्म डिस्काउंट पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है जो कि आप लोगों को पता है कौन सा है साक्षी वी एस ए के एस एच आई वी आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट होगी एंड सीयूईटी का जो थोड़ा बहुत टेंशन है वो थोड़ा सा कम हुआ होगा आप लोगों को कि अब आप लोगों के पास में जो है इस चीज के घबराने की जरूरत नहीं कि कहां से पढ़े कैसे पढ़े क्या करे क्या नहीं करे ठीक है आप लोगों को सिंपल क्या करना है भरोसा करना है आपके एजुकेटर्स पर एंड आपके एजुकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिकली बोलो तो इकोनॉमिक्स में मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर एक चीज आप लोगों को तो टाइमली एंड बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी दिस डाटा बाय बाय अच्छे से पढ़ते रहिए एंड जल्दी मिलते हैं